नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जनता के सवाल और नेताजी के जवाब में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे समय से इंतजारा में सक्रिय हैं, भाजपा नेता रामवीर साबादी जो जिला पार्षद भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले साबादी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पहला सवाल आपसे ये है जनता का कि आप कोई एक कारण बताइए कि आपको जनता विधायक क्यों चुना। देखिए, हर हमारे जो लोकतंत्र में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, विधायक चुना जाता है, और मैं पिछले कंटिन्यू 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ इस क्षेत्र की जो एटमॉस्फेयर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत है, उसको मैं भली भांति वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरा संघर्ष का समय बहुत लंबा हो गया और मैंने हर चीजों को बड़ी करीबी से देखा है। यहाँ की मूल समस्याएं क्या है, बेरोजगारी की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उसको मैंने नजदीकी से देखा है। लोग भी इस बात को समझते हैं कि ये आदमी पिछले लंबे समय से हमारे बीच है, तो वो हमारी तरह सब चीजों को समझते हैं। मैं तो, मेरा जो मानना है वो ये है कि मेरा यहाँ पे पिछले 20 वर्षों का जो काम है उसको देखते हुए लोग मुझे विधायक। दूसरा सवाल आपसे है कि जनता का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जब आपने जिला पार्षद के चुनाव लड़े तो जिला पार्षद चुनाव में टिकट पे बहुत कम दावेदार थे, आपने पैसे देके टिकट ली उसके बावजूद। दूसरा तो ये भी है कि आपने जो संदीप दायमा थे और मास्टर मामन सिंह जी थे वो आपके विरोध में थे, ऐसे में आपको टिकट लेने में कितनी समस्या है। देखिए, पहली बात तो ये जो लोग कहते हैं कि पैसे देकर के टिकट ली, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, मूल बेस की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पैसों में कांग्रेस की तरह टिकट नहीं बेचा करती। ये सब बकवास की बातें हैं, नरगल बातें हैं। पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए और मेरे संगठन में मेरी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने मुझे टिकट दिया। और ये लोग जो कहते हैं कि संदीप दायमा जी और मास्टर मामन जी आपके खिलाफ थे, ये गलत कहते हैं। कोई मेरे खिलाफ नहीं था। सब जब टिकट मिलने से पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाने का सभी लोग प्रयास करते हैं। टिकट मिलने के बाद ना मास्टर मामन जी मेरे कहीं खिलाफ थे, ना संदीप दायमा जी मेरे खिलाफ थे। सारी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ी, तभी हम चुनाव जीते, अन्यथा चुनाव जीत कैसे जाते। सभी के सहयोग से चुनाव जीते। जनता का ये है आपसे, जो जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा उसमें कितने पैसे। देखिए, ये विषय पत्रकारों को बताना और मीडिया में बताने का विषय नहीं है। पार्टी ने मुझे सिंबल दिया और पार्टी ने जो अपेक्षाएं सामने वाले कार्यकर्ताओं के साथ में रखी, उस पर मैं कहीं ना कहीं खरा उतरा और हमने चुनाव लड़ा। बाकी हमारी पार्टी के जो सदस्य थे वो कोई बिकाऊ आइटम थोड़ी है जो हमारे पार्षद कोई पैसे लेकर के हमें वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा सवाल जनता का ये है आपसे, आप जिला पार्षद चुने गए लेकिन जितने भी आपके बैनर या पोस्ट होते हैं उसमें जिला पार्षद की जगह आप जिला प्रमुख कैसे लिखते हैं। जनता का कहना है कैसे है, जनता कंफ्यूज होती है कि अगर जिला प्रमुख प्रत्याशी जगह अगर जिला पार्षद लिखा जाए तो जनता को पद उसका सम्मान हो, इस बारे में क्या कहना। हम कहीं हो सकता है कि हमसे ये गलती हो कि हम, क्योंकि मैं जिला परिषद सदस्य तो हूँ ही और जिला प्रमुख का मैं प्रत्याशी रहा, तो जिले भर में लोग उस बात को देख पाए, इस बात के लिए हमने ये डेजिग्नेशन रखी है। लेकिन इसमें अगर कहीं आपत्ति भी लगती है तो हम जिला आगे भविष्य में जिला परिषद का सदस्य ही लिखेंगे। जनता का ये भी कहना है कि आप अपने नाम के पीछे सहवादी लगाते हैं। एक बार कोई सहवाद में ही मीटिंग हुई तो आपने उस मीटिंग में कहा था कि आप अगर मुझे सहवादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसा जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी। देखिए, मैं जब यहाँ इस जगह को मैंने अपनी कर्म भूमि बनाया और ये मानस बनाया कि मुझे अब यहीं काम करना है, यहीं रहना है, यहीं परिवार सहित में आगे भविष्य में काम करूँगा, तो शाहबाद गांव में जब मैंने अपना घर बनाया, जमीन ली और अपना घर बनाया, तो यहाँ पे दो रामवीर नाम के आदमी थे। एक रामवीर जी अहिरवाल थे, वो विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे, और मैं रामवीर यादव था जो बीजेपी में काम करता था। तो वो 10 जगह, जब नाम वो रामवीर कौन से, तो रामवीर शाहबाद वाले, तो शाहबाद नाम आ गया। नाम आ गया तो गांव का भी इच्छा थी, हमने नाम लगाया और गांव का नाम हमने आगे लगाया, उसका गांव ने अपना माना। इस बात का प्रमाण जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा तब 98% गांव ने, 36 बिरादरी का हमारा गांव है और 150 वोट तो दूसरे धर्म की भी, मुस्लिम समाज की भी 150 वोट हमारी विधान उसमें गांव शाहबाद में है,
और 3400 वोट पोल हुए जिसमें 3315 वोट मुझे गांव ने दिए, तो गांव ने तो मेरे से ज्यादा अपने अपना मुझे माना हुआ है शाहबाद ने। जनता का मेरा सवाल ये है कि हरियाणा से जो नेता थे, हरियाणा से बहुत सारे नेताओं में तिजारा विधानसभा में सर लड़ाई हुई है, ऐसा क्या है उनके अंदर या आपके अंदर कि जो तिजारा के जो लोकल भाजपा के नेता थे? देखिए, हरियाणा यूपी पंजाब का विषय नहीं है, विषय है काम का। और जो आदमी जहां मजदूरी करता है वो अपनी मजदूरी का हक वही मांगता है। मैंने जब 1998 में यहाँ पे आया, जब मैंने आंखें खोली अपनी जवानी में, तब से मैं तिजारा में काम कर रहा हूँ। अब और कितने आए कितने नहीं आ रहे मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले 20-22 वर्षों में जितना संघर्ष जनता के लिए, पार्टी के लिए, जनता के लिए, जनता के हर समाज में मेरा कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, हर जाति में मेरा कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, जहां मेरी क्षमता है उससे मैं 21 करने का प्रयास करता हूं और मैंने किया है। और ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है कि भाई मैं हरियाणा से आ गया, बाहर से आ गया, ये जनता के बीच का कोई मुद्दा नहीं है। जनता को काम करने वाला आदमी चाहिए, जो उनके दुख में तकलीफ में खड़ा होने वाला आदमी चाहिए, जो कि मैं खड़ा होता हूँ। जनता हमारे यहाँ पे निवास करते हो और हमारे यहाँ पे पैदा हुए हों और हमारी चिरी पे मुते नहीं, हमारी चिरी आंगली पे नहीं मुते, काम नहीं करे हमारे, हमारे लिए सहयोग के लिए खड़े नहीं हो, तो वो यहाँ पैदा हो या वहां पैदा हो उसका मतलब क्या? दूसरी बात ये कि अगला जो सवाल जनता को ये है, चंद्रशेखर और आपके बीच में कई बार सोशल मीडिया पे जो चंद्रशेखर पार्टी के पार्टी में आ गए, कैसे रिश्ते? देखिए, चंद्रशेखर जी ने अपने कोई बयान रखे, जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा था तो चंद्रशेखर जी ने अपने बयान रखे, और चंद्रशेखर जी को बयान रखने के लिए उनकी अपनी मजबूरी होगी। मेरे व्यक्तिगत रिश्ते कोई चंद्रशेखर जी खराब नहीं है, व्यक्तिगत मेरे किसी से भी खराब नहीं है, और मैं जानता हूं कि राजनीति में व्यक्तिगत रिश्ते कभी किसी से खराब करने भी नहीं चाहिए। मूल्यों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, विचार एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, अपने मनभेद किस बात के लिए, हम एक ही समाज के लोग हैं। और चंद्रशेखर जी भारतीय जनता पार्टी में है, वो भाजपा को ही तो मजबूत कर रहे हैं। भाजपा जिसको चुनाव लड़ाएगी वो प्रत्याशी एक कमल का फूल होगा, एक को टिकट मिलेगा, जो जिसको टिकट मिलेगा वो यहाँ का प्रत्याशी होगा। तिजारा की बात करें तो तिजारा में कई दूरदर्शन नेता ऐसे हैं जो भाजपा का पट्टा डालते दावेदारी कर रहे हैं, आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ सकती है, ऐसे में आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत करेंगे? देखिए, मैं दावेदारी की तो सभी लोग मांग रहे हैं, 20-22-25 लोग मांग रहे हैं, और जितना बड़ा परिवार होता है, पुरानी देसी भाषा में जितना बड़ा लट ज्यादा लट वो उतना मजबूत परिवार, तो जितने ज्यादा भाजपा के पदाधिकारी टिकट मांग रहे हैं, उन्होंने जितना ज्यादा काम किया है, लोगों के बीच गए हैं, वो भाजपा को फायदा मिलेगा, प्रत्याशी एक होगा। अब दावेदारी मजबूती और कमजोर की तो बात पार्टी तय करेगी, किसने ज्यादा काम किया है, कौन काम में एलिजिबल है, किसके पास रोड मैप है, किसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की आगे व्यवस्था सुधारने का जो सोच है वो किसके पास है, पार्टी एक को टिकट देगी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं पार्टी से टिकट का दावा कर रहा हूँ, पार्टी मुझे टिकट दे, मुझे नहीं देगी तो पार्टी जिसको भी भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को टिकट देगी उस कार्यकर्ता को भाजपा को चुनाव जिता करके राजस्थान के विधानसभा में हम भेजेंगे। अंतिम सवाल ये है कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो कोई दो नाम जिनका समर्थन करेंगे? देखिए, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल आपने रखा मेरे सामने कि मैं नहीं रख पाऊंगा ये नाम, तो क्योंकि मेरे अलावा सभी जो साथी लोग हैं वो सब बराबर के हैं मेरे लिए। जिसको भी पार्टी टिकट, पार्टी का निर्णय होता है, हमारी पार्टी में काम करने वाले बड़े हमारे नेता बैठे हैं तो उसे वही डिसीजन करेंगे। जिसको भी टिकट देगी, पहली बात मैं ये चाहता हूं कि मुझे टिकट मिले, मेरे काम के बल पे मुझे टिकट मिले, मेरे योगदान के बल पे मुझे टिकट मिले, मेरे त्याग तपस्या के बल पे मुझे टिकट मिले। लेकिन फिर भी अगर कहीं पार्टी दूसरे किसी कार्यकर्ता को टिकट देती है तो मैं निश्चित आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, कांग्रेस के राज से, कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के विधायक से। यहाँ की जनता त्रस्त आ चुकी है, जो गलती पिछली बार कांग्रेस हमारे लोगों ने कर दी वो गलती दोबारा नहीं दोहराए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप इतने सारे मुद्दे साढ़े चार साल निकल गए, उस बीच में विपक्ष जो था बहुत बड़े बड़े मुद्दे आए लेकिन बहुत कम देखने को मिला, ऐसे में अगर किसी कैंडिडेट भाजपा से आता है तो उसके सामने कितनी परेशानी हो सकती है? देखिए, हो सकता है कहीं आपको लगा हो, प्रेस के भाइयों को, पत्रकार भाइयों को, आपको कहीं हमने मुद्दों को कमजोर रखा, लेकिन हमने मुद्दों को कमजोर नहीं रखा। हमने तहसीलों पे कईयों बार, अभी 15 दिन पहले भी विरोध प्रदर्शन किया, तहसीलों में कईयों बार
हमने विरोध प्रदर्शन जताया, भ्रष्टाचारी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया, हमने मुद्दों पे जो मुद्दे थे उन पर रखी है अपनी अपनी बात, लेकिन सरकार का जो रवैया रहा वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और विधायक, सरकार अल्पमत की थी, विधायक एक पावरफुल मिनिस्टर जितना काम कर रहा था, प्रशासन उनकी कठपुतली बना हुआ था। हमने अपने मुद्दे हमेशा रखे हैं, हम मुद्दों में कभी कमजोर नहीं रहे, जो मुद्दे नहीं थे वो थे, हमने हर विषय पर अपनी बात को रखा है। आपसे अंतिम सवाल ये है, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो क्षेत्र में जनता के बीच की मुद्दों के साथ चाहिए, आपकी क्या रणनीति है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्टेट का, किसी भी देश का जो विकास है वो रोजगार से। हमारे यहाँ जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार है। मेरा पहले दिन से मुद्दा है, आगे भी यही रहेगा। मुझे अगर पार्टी ने चुना या मेरी पार्टी का जो और कोई अगर चुना गया मेरी जगह, तो मैं उसमें भी इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करूंगा। मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा यहाँ पे हमें लोकल लोगों को, हमारे को रोजगार मिले। राजनीति की लोकल टिकट विषय अकेला नहीं बचा है, विषय ये भी है हमारा कि यहाँ पे जो लाखों लोग नौकरियां कर रहे हैं, 5840 फैक्ट्रियां हैं जिसमें 50 से ज्यादा लोग हैं, 5,000 7,000 12,000 लोग एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ का कोई भी लोकल आदमी उसमें काम नहीं कर रहा। मेरा पहले दिन से मुख्य मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी अगर खत्म होगी तो अमन होगा, सुख होगी, शांति होगी। घर में जो कमा करके लेके जाएगा तो घर में कलेश होने बंद हो जाएंगे, मियां बीबी के झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके जो मूलभूत तकलीफें हैं वो कहीं हद तक खत्म हो जाएगी, जिससे हमारा तिजारा विकसित होगा। और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ में, जो हमारा भिवाड़ी का मैन्युफैक्चर सिस्टम खराब हो रखा है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को आगे ला करके उनका CSR का पैसा, जो उनके जो अधिकारी इधर से उधर यूज कर लेते हैं, वो प्रॉपर जगह पे यूज हो, जिसकी वजह से हमारे विधानसभा में सरकार के खजाने के अलावा भी इंडस्ट्रियों का इतना पैसा लग सकता है कि हमारे गांव, स्कूल, गली, नाली, रोड, सिविल सब, ट्रीटमेंट प्लांट, सारे काम होने की स्थिति, हमने सब चीजों का रोड मैप तैयार कर। अगर हम बात करें भिवाड़ी में कई बार पॉल्यूशन के मामले में, प्रदूषण के मामले में नंबर बढ़ता रहा है। अभी करंट मुद्दे की बात करें तो बहुत सारे संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन जिला बनाने के मामले में एकजुट हैं, लगातार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के मुद्दे? देखिए, ये हमारे नेतृत्व की कमजोरी रही जो हम जिले में तब्दील नहीं हो पाए। हमारा नेतृत्व वीक था। हमने जब सरकारों को समर्थन किया, हमारे नेतृत्व ने समर्थन जब सरकार को किया तो अपनी बार्गेनिंग करके किया। और आदमी जब व्यक्तिगत हित में धस जाता है तो सार्वजनिक हितों को भूल जाता है। वो स्थिति हमारे साथ में हुई। हमारा अकेली भिवाड़ी का माननीय विधायक जी ने हल्के शब्दों में अकेली भिवाड़ी का नाम रखा। अगर वो मजबूत शब्दों में भिवाड़ी और तिजारा दोनों का नाम रखता तो तिजारा निश्चित तौर पे जिले का अध्यक्ष जिला बनता। और तिजारा भौगोलिक व्यवस्था से भी 1972 की तो नगर पालिका है, व्यापारिक वर्ग मजबूत है, हर तरीके से तिजारा बनने की स्थिति का था। लेकिन उसने हल्की व्यवस्थाओं में, हल्के लफ्जों में, हल्के लहजे में भिवाड़ी का नाम रखा, भिवाड़ी के लोगों को खुश रखने के लिए। अगर भिवाड़ी और तिजारा दोनों जगह रखी जाती, मजबूती के साथ रखी जाती, तो ये जिला बन जाता। दीपचंद खैरिया ने बार्गेनिंग नहीं की, दीपचंद खैरिया ने कांग्रेस में विश्वास जताया, मुख्यमंत्री के अंदर विश्वास जताया, जिससे खैरतल जिला बन गया। आपने, ये थे हमारे साथ रामवीर साहबादी जी, इन्होंने जनता के सवाल और नेताजी के जवाब के जो सवाल थे उनका बहुत बेबाकी से जवाब दिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।